गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 4 ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव विकास। मानव विकास क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले अपने को ये जानना होगा कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। एक्चुअल में हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से अलग है। एक वर्ड होता है डेवलपमेंट और एक है ग्रोथ। ज़्यादातर क्या होता है, इन दोनों वर्ड की मीनिंग एक ही ली जाती है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसकी मीनिंग क्या ली जाती है, दोनों की सेम ली जाती है। लेकिन ये दोनों क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख। उसकी पॉपुलेशन क्या है, 1 लाख पॉपुलेशन है। 10 सालों में उसकी पॉपुलेशन है वो बढ़ के हो गई 1,50,000। उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, 1,50,000। तो ये 50,000 क्या हो गई, उसकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, 50,000 मतलब 50,000 लोग उस जगह में क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन डेवलपमेंट में, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है अच्छी अच्छी, मतलब लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं हैं, तो उस जगह का क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब ग्रोथ क्या होती है, नंबर्स में होती है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होती है, क्वालिटी होती है। लोगों की क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो, लोगों की जो चॉइसेस है वो इम्प्रूव हो, उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अपन देखते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेन डिफरेंस क्या है, तो जो ग्रोथ है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव। और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या हो गई, 1,00,000 से 1,50,000 हो गई। ये उसकी क्या हुई, क्वांटिटी बढ़ गई। मतलब जो ग्रोथ है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, ये हो गया इसमें पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है, जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। मतलब मान लो किसी जगह पर जो पॉपुलेशन है वो 50,000 बढ़ी, तो वो उसकी क्या हो गई, पॉजिटिव ग्रोथ हो गई। लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां पर 10,000 पॉपुलेशन कम हो गई, पॉपुलेशन कम हुई, उसे हम ग्रोथ ही कहेंगे, लेकिन वो ग्रोथ कैसी होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। जो डेवलपमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसे होगा, हमेशा पॉजिटिव कैसे होगा, कि मान लो कहीं पर कोई जगह है जहाँ पर स्कूल्स तो है लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं है, 10 साल बाद वहाँ क्या खुल गई, हॉस्पिटल खुल गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ स्कूल कम हो गई, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है हेल्थ के साथ,
एजुकेशन के साथ वहाँ पर क्या इंक्लूड हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड हो गई। ये वहाँ का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंस है मेन मेन, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। ठीक है, ग्रोथ है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पुराने समय में यानी 90s और 80s की शुरुआत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैलकुलेट किया जाता था, उसका एक ही मेजरमेंट था, उसका एक ही मेजरमेंट था, वो मेजरमेंट क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी किसी कंट्री की अगर जीडीपी ज़्यादा है, किसी कंट्री की क्या है, जीडीपी ज़्यादा है, उसकी इनकम ज़्यादा है, तो वो क्या होगी, वो क्या मानी जाती थी, ज़्यादा डेवलप मानी जाती थी। और किसी कंट्री की अगर जीडीपी कम होती तो उसे क्या माना जाता था, उसे अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री माना जाता था। ये पुराने समय की बात है जब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करने का एक ही मेजर था, वो क्या था, जीडीपी या उस कंट्री की इनकम। ठीक है, लेकिन इस किसी कंट्री में इकोनॉमिकली डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हो। ठीक है, यानी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसकी ग्रोथ के साथ क्या हो, डेवलपमेंट हो। यानी मान लो कुछ सालों, 10 सालों के गैप में अगर किसी कंट्री की इनकम है वो डबल हो गई, लेकिन वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर नहीं हैं तो उस कंट्री में क्या नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ ओनली क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए 1990 में, 1990 में दो इकोनॉमिस्ट थे, दो इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम याद कर लो। पहले तो थे डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ये दो इकोनॉमिस्ट थे साउथ एशिया से। यानी जो डॉक्टर महबूबुल हक थे वो तो थे पाकिस्तान से, और अमर्त्य सेन कहाँ से थे, भारत से थे। इन दोनों विद्वानों ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिक जो किसी पॉपुलेशन है उसकी चॉइसेस को इंक्रीज करने में जोर दिया, कि किसी कंट्री में जो उसकी पॉपुलेशन है उसमें उसके पास चॉइसेस कितनी है, मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी है अलग अलग तरह की, वो चॉइस जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होती होगी उतनी ज़्यादा लोगों के पास क्या होगी, चॉइसेस होगी, मतलब स्कूल्स बहुत सारी होगी तो लोगों के पास क्या होगी, चॉइस होगी। ठीक है, फिर अमर्त्य सेन हैं, उन्होंने फ्रीडम पर जोर दिया। फ्रीडम मतलब लोगों के पास क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया। सब 1990 में उन्होंने एक इंडेक्स बनाई जिसे नाम दिया गया SDI। SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इन्हीं की ये जो इंडेक्स थी उसी के आधार पर 1990 में UNDP जो कि UNO का पार्ट है, किसका पार्ट है, अब ये क्या है, UNO और UNDP, UNO क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे देश जो क्या है उनके पार्ट्स हैं, मेंबर्स हैं।
ठीक है, इसका ही एक प्रोग्राम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के तहत 1990 में एसडीआई रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड के बहुत सारे देशों की क्या निकाली गई थी, एसडीआई रिपोर्ट निकाली गई थी, किनके आधार पर, महबूबुल हक और अमर्त्य सेन की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उनके आधार पर, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स हैं वो किसको माना था, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या है पिलर्स। तो जो पहला पिलर है वो है इक्विटी, जो सबसे पहली जो चीज़ है जो ह्यूमन डेवलपमेंट का आधार बनती है, बेस बनती है, वो क्या है, इक्विटी। यानी जो लोग है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस यानी जाति के हो, ठीक है, या फिर किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हो, ठीक है, काले हो, गोरे हो, किसी भी टाइप का अगर पर्सन हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनमें क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें सबको बराबर है वो अधिकार मिलना चाहिए, या बराबर का उसको हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई स्कूल है, एक क्या है, स्कूल है, तो स्कूल में इक्विटी का मतलब है उसमें हर तरह के, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लैंग्वेज के हो, उस बच्चे को क्या मिलना चाहिए, एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गई, इक्विटी हो गई, ठीक है। या फिर कोई हॉस्पिटल हो, ठीक है, उसमें सभी को एक तरह से फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये क्या कहलाती है, इक्विटी। यानी जो भी चॉइसेस है या जो भी ऑफर्स है उनमें सबको क्या मिलनी चाहिए, इक्वल रखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पिलर है वो है अपने सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग है निरंतरता, ठीक है। यानी लोगों के पास जो चॉइसेस है वो बरकरार रहनी चाहिए। जैसे आज हम लोग पेट्रोल और डीजल है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग है आज जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज आने वाली पीढ़ी, यानी अपने जो बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे, उनको भी वो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, सस्टेनेबिलिटी। यानी अगर हम आज पेट्रोल और डीजल का पूरा यूज़ कर लें, फिर उनके जो जहाँ से पेट्रोल निकलता है डीजल निकलता है वहाँ वो ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है सस्टेनेबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज को इस तरह यूज करो कि आने वाली पीढ़ी भी उन रिसोर्सेज को यूज कर सके, ठीक है। जो थर्ड पिलर है, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो थर्ड पिलर है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है कि किसी कंट्री के जो पीपल्स हैं वो क्या हो, प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव कैसे हो कि एक कंट्री है जिनमें 1 लाख पॉपुलेशन है और उसमें से 50 लाख लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिव है। अब प्रोडक्टिव कैसे बनते हैं, वहाँ पर अगर लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो क्या होंगे, वो पीपल, वो जो लोग हैं वो ट्रेंड होंगे और उनको जॉब मिल जाएगी,
ठीक है। और एक कंट्री है जिनमें ओनली 20 से 30,000 लोग ही क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिव है, तो किस कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जो जिस कंट्री में लोग ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रोडक्टिव ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ काम करें जिससे इनकम हो, जिससे देश की इनकम हो, वो क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट जो पिलर है वो है, फोर्थ पिलर है एम्पावरमेंट। फोर्थ जो पिलर है वो कौन सा है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है लोगों के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो चॉइसेस, ताकि वो अलग अलग चॉइसेस में से अपनी चॉइस की चीज़ चूज कर सके। चॉइसेस मतलब जैसे एक जगह पर दो ही स्कूल हैं, ठीक है, एक स्कूल में फीस ज़्यादा है और एक स्कूल में क्या है, एजुकेशन का जो लेवल है वो कम है, ठीक है। अब लोगों के पास क्या होगा, दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो ज़्यादा फीस वाली स्कूल में जाए या फिर कम जो एजुकेटिव है उस स्कूल में जाए, ठीक है। तो अगर लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा होगी तो उन चॉइसेस में से चूज करने में उनको क्या होगी, ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एम्पावरमेंट का मतलब है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे लोगों के पास क्या हो, चॉइसेस हो, ठीक है, वो चूज कर सके अपने जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वो क्या कर सके, उन चॉइसेस में से कोई एक चॉइस चूज कर सके। ये क्या कहलाता है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मीनिंग है जैसे एक लड़की है, ठीक है, उसे अच्छा एजुकेशन मिला है, तो एजुकेशन मिला है तो वो आने वाले टाइम में क्या होगा, उसके पास ऑप्शन होंगे, वो कहीं भी जॉब कर सकती है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट जॉब करे, किसी ऑफिस में काम करे, अगर उसके पास एजुकेशन होगी, वो लिटरेट होगी, तो उसके पास क्या होगी, अलग अलग चॉइसेस होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या है, एजुकेटेड नहीं है, तो उसके पास चॉइसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या तो वो कोई घर पे काम करे, ठीक है। तो इस तरह जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट का मीनिंग है लोगों के चॉइसेस में बढ़ोतरी करना, यानी चॉइसेस को बढ़ाना, ठीक है। और ये एम्पावरमेंट सीधे सीधे किससे संबंधित है, गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट ही पॉलिसीज बनाती है जिससे लोगों को में क्या होता है, एम्पावरमेंट बढ़ती है, ठीक है। तो ये थे चार पिलर्स किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला पिलर है इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग है कि लोगों को क्या मिलनी चाहिए, इक्विटी, यानी जो चांसेस है सबको बराबर मिलने चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, इक्विटी। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग है जो रिसोर्सेज है उसको ऐसे यूज करें कि हम भी उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और आने वाले पीढ़ी भी उस रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, उनसे फ़ायदा ले सके। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी प्रोडक्टिव है, यानी उससे जो कंट्री है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मीनिंग है कि लोगों की चॉइसेज में इजाफा करना, बढ़ोतरी करना, वो क्या कहलाता है, एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये थे पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।